वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनजीओ मिर्जापाल विकास। आज मैं आप लोग सामने एक कहानी लेकर आया हूँ, एक टॉपिक है जिसमें मैं अपने भाव को कहना चाहता हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर लोगों को शेयर कर दिए। ये बातें हर एक तक जानी चाहिए, मैं जानता हूँ आप ज़रूर करोगे। थैंक गॉड आपने कर लिया होगा, तो उसके लिए थैंक यू। देखिए मेरी टॉपिक है नारी शक्ति और हम नवयुवकों का क्या संकल्प है, करुणता ईर्ष्या क्या होती है, इसे हम कैसे अपने मन से अपने हर्ट से निकाल सकते हैं। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। क्लास में आपके साथ के क्लासमेट हैं वो पढ़ रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर वो किन्हीं कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आप में और उनमें एक फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, उनके मन में ये फ़र्क नहीं होता, लेकिन फ़र्क लाने वाले हम ही और आप रहते हैं, माध्यम हम ही आप रहते हैं। होता क्या है कि वो आगे निकल गए, कैसे वो फाइनल कर गए, मैं क्यों फेल हो गया या मैं क्यों पीछे हो गया, तो यही हमारे और उनके मन में ईर्ष्या हो जाती है और उनके मन में ईर्ष्या होती है और हमारे मन में घमंड होता है। हाँ मैं तो पास हो गया, मैं फेलियर से क्यों मिलूं जुलूं, क्यों बात करूं, मेरा उनके साथ कोई, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच गलत है। ठीक है, वो कोई डिग्री में पीछे हुआ है, पढ़ने में पीछे हुआ है, लेकिन हर एक चीज़ में वो हमारे बराबर है। हर एक कहते हैं ना समानता, हर एक चीज़ में वो बराबर है। हर जगह आपके किताबी ज्ञान मायने नहीं रखती, आपके टैलेंट को देखा जाता है। तो प्लीज़ आप किसी से ईर्ष्या मत रखें, जलन ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा महिलाओं के लिए, नारी शक्ति नारी सुरक्षा, क्योंकि हमारे इस सृष्टि में आने का, इस संसार में जन्म लेने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नारी की है। नारी एक होती है, उसके रूप और संबंध अनेक होते हैं। वही नारी हमारी माँ भी होती है, वही नारी हमारी बहन भी होती है, वही नारी हमारी बेटी भी होती है, वही नारी हमारी पत्नी भी होगी। कहने का यही अर्थ है कि नारी तो एक होती है, उसके रूप और संबंध अलग होते हैं। तो प्लीज़ आप अपने माँ की इज्जत करें, बहन की करें, हर एक की इज्जत करें। अभी तो नहीं है, पहले लड़कियों को गर्भ में मारते थे, लेकिन कानून ने, सरकार ने हमारी इसके ऊपर जुर्म लगाया है, कानूनन अपराध हो गया है। ये पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जन निकाला है कि अब पिता की पैतृक संपत्ति पर भी बेटी का पूरा अधिकार होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि जितना मेरा हक है उतना मेरे बहन का है। अगर मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी बहन भी यूज़ कर सकती है। तो यही सब बात को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें।